उस टाइम से मेरे कान में बोले जा रहा था, अभी मैंने ब्लॉग में डाल दिया। हैप्पी बर्थडे जिसकी भी बर्थडे आ रही है। एंटी स्पॉट 2.0। अगर मुझे टॉप से एंगल लेना तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा। और ये देखो कान बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। ठहर जाओ तुम जरा। बिना ब्लैक आइस बहुत ज्यादा, तो आज तो ड्राइव करते बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। भाई गाइस ऑफिस पहुंच चुके हैं यार। आज वो वाला दिन है यार, सुबह सुबह कॉफी पीने का दिल कर रहा है, और कॉफी भी ना यार प्रॉपर वो ब्लैक वाली। अभी शेख की कॉल आई हुई है, वो पैकिंग शेकिंग कर रहे हैं अपनी, वहाँ पे प्रॉपर ब्लैक कॉफी पीने का दिल है। वैसे ऐसी बोल रहा हूँ, ब्लैक कॉफी पीने का दिल नहीं था, लेकिन दूध नहीं है तो फिर ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी। तो बस इसमें हनी डाल दिया और यार कॉफी तो रोज स्मेल करते हैं, लेकिन यार क्या रोज ही वो एक अलग किस्म की किक मिलती है। तो खुल के पॉटी आती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। मैंने ब्लॉग में डाल दिया। उस टाइम से मेरे कान में बोले जा रहा था, अभी मैंने ब्लॉग में डाल दिया। भाई क्या कह रहे थे, दोबारा क्लियरली बोल। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। ये फंस गया सी है। 7 hours later। यार आज ऑफिस में इतना ज्यादा काम था ना कि यार पता ही नहीं चला दिन कब गुजर गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि एडिटिंग वगैरह होगी, व्लॉग अपलोड पे लगा दिया, किसी भी टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर जाने से पहले अपलोड नहीं हुआ तो रास्ते में वो कल की तरफ मोबाइल से 5G लगा के उसको फटाफट अपलोड कर लेंगे, तो व्लॉग फिर थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा कल की नेस पे। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग अपने पुराने टाइम में वापस आ जाएंगे। ट्राई तो यही है कि यार ऑफिस से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अगर जल्दी निकल जाऊंगा तो जो काम मैं करना चाह रहा हूं वो हो जाएगा। वो काम क्या है, एक जगह है जो कि देखनी है जाके, वो क्यों देखनी है, क्या है उसकी स्टोरी, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगी। इसी वजह से जल्दी निकलना है ऑफिस से। अब निकलते हैं। ये वाला फ्लैट देखने आया था, ये ऐसा कुछ लग रहा है पिक्चर में, पर रियल में कुछ ऐसा लग रहा है। फ्लैट किसके लिए और क्या सीन है ये तो आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल के लिए यार बस निकलते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है। और यहाँ से आते हुए यार सही स्लिपरी सरफेस हुई थी यार, यहाँ से आराम से बंदा गाड़ी स्लिप करते करते उधर मार सकता है। उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? मेरी बर्थडे है, प्री बर्थडे। मेरी बर्थडे की रिहर्सल चल रही है, ये मेरी बर्थडे की रिहर्सल है। आज 13 दिसंबर है। ये तो मैंने नहीं सोचा। वो देखो, वो भूख मार रहा था। He knows how to do it. Happy birthday to Winnie. Happy birthday to everyone. Happy birthday जिसकी भी बर्थडे आ रही है। Happy birthday to you. कैसे? मजेदार, बहुत मजेदार। आज से एग्जैक्टली 1 महीने के बाद मेरी बर्थडे। ये तो आपकी शर्ट के साथ मैच हो रहा है। प्लान था नहीं। इसमें एक शेख का, एक मेरा है। अब मेरी क्या चीज है वो तो मुझे पता है, शेख के। ओके, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। कह रहा था कि यार ये वाला माउस ऑर्डर कर लो, किया था और उसके बाद रिटर्न कर दिया था, क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं आ रही थी। अब देखो वापस वही वाला माउस ऑर्डर कर लिया उसने। आपको पता ही है मेरा ट्राइपॉड जो है वो बार बार कभी रेल या इस तरह होता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो उसके लिए एक नया सोल्यूशन ढूंढा है मैंने, वो सोल्यूशन बड़ा मजे का है। ये मेंटेस्पॉड 2.0, ये है हमारा मेंटेस्पॉड यार। इसके साथ ही मैनुअल आया, काफ़ी कूल किस्म का मैनुअल है। इसमें सारे स्टेप्स लिखे हैं कि क्या क्या इसकी पोजीशंस वगैरह बन सकती है, क्योंकि गोरिल्ला पॉड को टक्कर देने के लिए बनाया, तो जारी बात है कुछ अच्छा बनाएंगे ना। दिस इज व्हाट द एक्चुअल प्रोडक्ट लुक लाइक। यार अच्छा प्रीमियम टच दिया हुआ है, और ये निकलेगा कैसे? ये क्या है? ये यहाँ पे रिमोट होना चाहिए था ना, रिमोट का है इसका। ओह कैसे कोने में छुपा के रखा हुआ है। अरे इसकी यूनिवर्सल प्लेट है, ये कैमरे के नीचे लगेगी। यार कितना प्रीमियम है, ऐसे लग रहा है किसी एप्पल का प्रोडक्ट में अनबॉक्स करो यार। इवन पेज को भी ऐसे कवर किया हुआ है प्रॉपरली। और ये जो है ना, ये इसकी हुक है, तो बेसिकली आप इसको कहीं भी लटका सकते हो। ये मेंटेस्पॉड 2.0 है। मेंटेस्पॉड 1 जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लंबा है इससे, और वो डिफरेंट एंगल में खुल जाता है।
ये भी काफी अच्छे काफी वर्सटाइल है, मतलब जैसे कि अगर मुझे टॉप से एंगल लेना है तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा और ऐसे करके आराम से एंगल ले लूंगा कोई भी कैमरे का, 3-4 सेकंड में ये ऐसे असेंबल हो जाता है। आप इसको ऐसे व्लॉग पोजीशन में रख सकते हो, ट्राइपॉड के तौर पे यूज करते हुए यहाँ पे रख सकते हो। यार इसके यहाँ पे ना कोल्ड शू माउंट लगा हुआ है, अगर आप व्लॉग कर रहे हो या कुछ और दिखाना चाह रहे हो तो माइक को एकदम से अपनी तरफ मोड़ सकते हो, और अगर दोबारा से व्लॉग वाले सीन में आना चाहते हो तो आप इसको माइक को मोड़ के अपनी तरफ कर सकते हो। एक और फीचर है इसमें, वो ये है कि यार इस तरह अगर इसको आप ग्रिप कर लो तो आप इसमें हैंडल्ड फुटेज जो है बड़ी आराम से ले सकते हो, स्क्रीन में देखते हुए आप आराम से कोई लो एंगल लेना चाह रहे हो, जो कुछ भी करना चाह रहे हो, काफ़ी वर्सटाइल है। लेकिन वन था ना वो ऑल द वे खुल जाता था, उसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, आप ऐसे करके आप मतलब एक बड़ा दूर का एंगल ले सकते थे। दूसरी बात ये कि जो मेंटी स्पॉट वन था ना उसके यहाँ पे कोल्ड शू माउंट लगा हुआ था, कि इसके यहाँ पे ये एक फिक्स किस्म का कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि फिक्स रहता है, एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक और चीज़ दी है, वो है इसके साथ दिया गया ब्लूटूथ रिमोट, जो कैमरा वहाँ रखा हुआ है या वहाँ रखा हुआ है, यहीं भी रखा हुआ है, तो मैं दूर से बैठ के उसको प्ले कर सकता हूँ। प्रोज भी हैं कुछ कॉन भी हैं, अभी बस उसी को थोड़ी सी रिसर्च और फर्दर कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया उसके बाद रिसर्च कर रहा हूँ कि ये वाला रखना है या इसको वापस करके नंबर वो मेंटी स्पॉट वन मंगवाना है, तो बस उसी की डिसीजन में अभी बस दुविधा में फंसे हुए हम लोग। यही ठीक है क्यों? काफी सारे एंगल ले सकते हो आप टॉप डाउन और सब कुछ तो, और वैसे काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब देख रहे हो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। जो गोरिल्ला पॉड की सबसे गलत बात होती है ना वो ये होती है कि यार ओवर द टाइम शुरू में बड़े अच्छे होते हैं, ओवर द टाइम ना और वो हिलने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, कितनी बार आप लोगों ने भी देखा होगा सीन लेते लेते गड़प। इसकी ये वाली ग्रिप का पीस उतर जाता है और उसकी जगह ये रिमोट नाइसली इधर फिट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी है यार इसकी, गोरिल्ला पॉड की तरह ऐसे हिल नहीं रहा और मतलब वॉबली नहीं है। कुछ ज्यादा ही तारीफें हो गई हैं ये वाले ट्राइपॉड की। अब एक लास्ट चीज, बटन से ये बस ऐसे ओपन हो जाता है और अगर वापस लगाना है तो इसी तरह ऐसे करके लगा के और इसको डबल टाइट कर दिया, मतलब एक तो ये इसका लॉक है एक ये लॉक है ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। लेस पॉसिबिलिटीज यार, मतलब अच्छी बात है। गोरिल्ला वालों को अपनी, गोरिल्ला पॉड वालों को, जो भी वालों को अपनी गेम थोड़ी सी हाई करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में अब, एंड पी जी टेक इज क्वाइट गुड यार, छोटी कंपनी है बट प्रोडक्ट अच्छे बना रहे हैं। मैं क्या कर रही हूं? क्या कर रही हो? देख करो, देख काम ये बहुत शरारती बच्चा है, अनबॉक्सिंग में खप डाली हुई थी, बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, ठहर जाओ तुम जरा। डिफरेंट किस्म का KFC, वो क्या है ये? क्या है फिर? गार्लिक एंड हर्ब बेक चिकन है। गार्लिक एंड हर्ब बेक चिकन है, इसके अंदर भी आई थिंक वो गार्लिक बटर डाल के कुछ उस तरह किया होता है और साथ में ये पुलाव, ये वाला खाने वाले तो आज शुरू करें इसको। ये लो इसमें है, ये ये देखो कान, One hour later. Okay guys, अभी हम बाबा सो गए और अभी हम आप भी सो जाए, अरे तब तक आ गया, आपने याद रखिएगा मेरे कैब, आज स्नो है लेकिन मेल्ट हो गई, आज हम पता नहीं हम कौन सी डेट है। हटम दादा हटम मेरे, हेलो हेलो हेलो।